गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल मदरहुड विद शनाया। और अभी आपने जो देखा वो माही सो रही है और सुबह की जो लाइट्स है मेरे को टच कर रही है और अच्छा लग रहा है। ये वाला नहीं, न्यू वाला मैंने पीछे में बैक में लगाया है, ये काफ़ी न्यू है ये। और कल रात को एक्चुअली बारिश हुई है, उसके वजह से वेदर आज थोड़ा ठंडा है। ये देखिए बाहर का हाल, एकदम सुनसान सन्नाटा सा हो रखा है और अंदर काफ़ी सारे काम हो गए हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आप लोगों से बात कर लेती हूँ। और आपको पता है मॉर्निंग में मैंने माही को उठाया, उसको ब्रेकफास्ट कराया और ब्रेकफास्ट करने के बाद वो फिर से सो गई है। यस, मुझे एक्चुअली ये वाला टॉवल बहुत अच्छा लग रहा है, ये लुक, और स्पेशली स्क्रीन पर कुछ ज़्यादा ही अच्छा लग रहा है। ये बहुत ही प्यारा सा इसका काम है। एनीवेज उसे छोड़ते हैं, इसका कोई लिंक नहीं है, कोई प्रमोशन नहीं कर रही हूँ उसका मैं। मुझे पर्सनली पसंद आया इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। और इंतज़ार कर रही हूँ कि माही कब उठे, फिर उसको थोड़ा शावर वगैरह कराए। और लंच तो बन गया है माही का, और आज माही का लंच में बन रहा है पालक, आलू और पपीता, कच्चा पपीता जो होता है, सब एक साथ मैंने सारे वेजिटेबल्स मिला के उसके साथ दाल राइस बनाई है। और दोनों मामा और माही दोनों ही सो रहे हैं। पता है आपको एक क्या चल रहा है, बहुत बदमाश हो गई है माही। आपको पता है क्या कर रही है? पता है माही जो है ना, अभी उसको पता चल गया है कि मामा है उसके साथ। 12:30 मैं उसको सुला देती हूँ, तो उसके बाद है ना ठीक 1:30 से उठ जा रही है। 1:30 से उठ के 2 से 3 बजे तक बदमाशी चल रही है उसकी। अचानक से आंखें खोल के हंस रही है, फिर खिलौनों को फेंक रही है, ऐसे करती है बदमाशी। लेकिन थोड़ा सा डांट दे तो सो जाती है, लेकिन उसे पता है बैकग्राउंड में कि मामा है हॉल रूम में, तो मामा मेरे साथ खेलेंगे। और फिर उसको पता है, वो जिद भी नहीं कर रही कहीं जाने के लिए, इतना वो खिलौने फेंक रही है, ये कर रही है। उसके बाद जब हम उसको मामा के पास दे जा रहे हैं, कोई आवाज़ नहीं है। मेरे भाई बोल रहा है उसको सुलाने में मेरी हालत ख़राब हो जा रही है, लेकिन हमारी मैडम है ना सो नहीं रही है। कल से भाई को पकड़ी हुई है, बोल रही है, कल उसने बोल भी दिया, भाई ने बोला कि चलो मैं चला जाता हूँ, तुम खाना नहीं खा रही हो, तो मैं उठ के उसे बोल रही है ना 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 मम्मा मम्मा ना 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 ना, ऐसे एक बार बोली, उसके बाद चुप, फिर नहीं बोलती। मैंने बोला बोलो बोलो बोलो, तो भाई बोल रहा तुम ऐसा बोलोगी तो हम कैसे जाएंगे। हाँ, तो देखो बच्चों को ना पता है, उनको सीरियसली पता चल जाता है कि हमको बचाने वाला कोई है, हमको प्रोटेक्ट करने वाला कोई है, तो बदमाशी करो, अदरवाइज उसकी इतनी हिम्मत नहीं होती इतनी बदमाशी करने की। हम नेरा और देवराज हम दोनों को ही रात में ठीक से नींद नहीं हो पा रहा है इसकी वजह से, क्योंकि ये मैडम उठ जा रही है बार बार। वैसे ही रात में कुन 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 करती है, लेकिन अभी कुछ ज़्यादा ही हालत ख़राब कर रखा है। अब वेट कर रही हूँ कब उठेगी और फिर इसको शावर करा लूँ। बाय द वे सारे काम हो गए, देखिए एकदम ये जो कपड़ा रखा है ना, ये एक्चुअली थोड़ा गीला है और ये प्रेशर कुकर बहुत गर्म था बोल के मैंने इसके ऊपर चपा दिया। इसे क्या होता है, नीचे का तो हीट है ना वो पकड़ लेता है, फटाक से नहीं पकड़ता है वो, ठीक है। तो उठ जाए, बस उसी का इंतज़ार कर रही हूँ कि उठ जाएगी तो फिर मैं उसको थोड़ा सा रेगुलर जो रूटीन वगैरह वो कर सकती हूँ। कल तो उसको वैक्सीन लगा था, तो माही को एक्चुअली वैक्सीन दिया था बोल के, उसको रात को ना थोड़ा बुखार आ रहा था तो रो रही थी, तो मैंने मेडिसिन दे दिया है। उसके बाद अभी बुखार नहीं है और शायद थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का पेन भी हो रहा था उसका, लेकिन ये हमारी मैडम जो है ना पेन में भी बंदास, बदमाशी इनकी कम नहीं होती है, उसमें भी उछल रही है, रो रही है, उछल रही है, कूद रही है, जो खुशी उसको कर रही है। तो ये सब बच्चों के साथ होता रहता है, और जो बच्चे बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं ना, मदर की हालत ख़राब हो जाती है। अच्छा है, एक्टिव होना बहुत अच्छा है, लेकिन यार हमारे बारे में भी सोचो, हमारी हालत बहुत ख़राब हो जाती है ना, दिन में सोने को मिलता है ना रात में, दिन चैन सुकून सब बुक चला गया है। अब तो बस एक ही चीज़ रह गई, कब ये थोड़ा सा समझेंगे, कब थोड़ा सा समझेंगे यार, लगता है ना ऐसा। आई थिंक जो लोग मदर से वो लोग यही भगवान से प्रे करते होंगे, मेरे बच्चे को थोड़ा सा समझदार बना दो यार, थोड़ा सा बना दो भगवान। बट क्या करें, ये एक पड़ाव है, इसे कुछ नहीं कर सकते, झेलना ही पड़ेगा। और अभी माही का हो गया है शावर लेना। माही बड़ी मुश्किल से उठी है, हाँ उठ के ही 15 मिनट बाद मैंने उसे शावर दिला दिया है, और अभी मेरी बारी है। तुम्हारा तो हो गया, मैं जाऊँगी। तुमने हाय किया सबको, बोलो हाय, हाय फ्रेंड्स, बोलो बोलो। दिन ब दिन बहुत नटखट होती जा रही है ये, पता है नहीं, हाँ बहुत बदमाश और नटखट होती जा रही है ये।
बोलो गुड इवनिंग एवरीवन। बोलो अच्छा अपनी चोटी दिखा दो, कितनी अच्छी चोटी बांधी है दिखा। देखो अभी मैडम को देख के समझ आ रहा है समर आ गई है। नहीं समर आ गया ना बेबी, पता यहाँ पे इतनी गर्मी लग रही है इसलिए इसका अभी चोटी बांधना शुरू कर दिया मैंने। अभी दिखा अपना चोटी दिखा, देखो 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 ऐसे हम लोगों को तो ऐसे ही अत्याचार टॉर्चर चलता रहता है हम लोगों का। मम्मा को मार रही हो बेबी, मम्मा तुमको किस देती हो, तुम मम्मा को मारती हो हा? सब देख रहे हैं आपको। बोले हाय, बोले हाय हाय हाय। अरे बबली बबली, बोलो आज क्या बनाओगी बताओ, सबको बता दो। मामा के लिए क्या बना रही हो, क्या खिलाओगी मामा को? चिकन बिरयानी नहीं, फिर क्या खिलाओगी? हाँ बिरयानी खिलाओगी, चलो चिकन बिरयानी बना के खिलाते मामा को। हाँ चलो अभी मैं इसको जो करूंगी ये मेरे को वही करेगी। तो चलिए शाम हो गई है और रात के डिनर में बना रही हूँ मैं आज स्पेशल चिकन बिरयानी। देखो क्या कर दिया, देखा यही चलता है हम लोगों का। चलिए मैं इसे छुड़ाती हूँ बेबी। ये देखिए सारे के सारे मसाले मैंने सजा के रख दिए आप लोगों के लिए। अब मैं आपको बताती हूँ एक एक करके आपको मसाले क्या क्या चाहिए चिकन बिरयानी बनाने के लिए। सबसे पहली चीज़ तेल, ये हर किसी को चाहिए, वेजिटेबल ऑयल, घी। देन ये क्या है, ये है केवड़ा जल, और ये है रोज़ वाटर, और यहाँ पे देख रहे हैं आप कुछ कटे हुए आलू, इसको फ्राई करना है। देन ये प्याज, ये भी फ्राई करना है, तेज पत्ता। देन यहाँ पे टमाटर, ग्रीन चिली, जिंजर पेस्ट, और यहाँ पे है अनियन पेस्ट, और ये है गार्लिक पेस्ट। अब मैं आपको दिखाती हूँ जो बिरयानी बनाने के लिए मसाला ज़रूरत होता है, ये है बिरयानी मसाला, और इधर ये देखिए मीठा अतर। और जैसे आप देख रहे हो कि ये मसाले काफ़ी कम हैं, उसका रीज़न मैं आपको बताती हूँ। मैंने यहाँ पे चिकन में अच्छे से मैरिनेट करके रख लिया है। चिकन में यहाँ पे पड़ा है अदरक पेस्ट, जिंजर पेस्ट, प्याज पेस्ट, और थोड़ा सा इसमें तेल और थोड़ा सा लाल मिर्ची। इससे क्या होता है फ्लेवर्ड आ जाता है। और अच्छे से मैरिनेट करके फ्रिज में बंद करके रख दिया है ताकि मैं बाद में जब पकाऊँ इसको तो मुझे ज़्यादा मसालों की ज़रूरत ना पड़े। तो चलिए सबसे पहले आलू को फ्राई कर लेते हैं और इन प्याज को फ्राई कर लेते हैं, उसके बाद धीरे धीरे मैं आपको सारे प्रोसेस दिखाना स्टार्ट करूँगी। जैसे कि आप देख सकते हो कि तेल गर्म हो गया है, तो हम इसमें डालेंगे सफ़ेद जीरा यानी कि जीरा। और अब धीरे धीरे जो मसाले हैं उन्हें डालना स्टार्ट करेंगे हम। और जैसे आप सब जानते हो मुझे मेरी जो सबसे फेवरेट चीज़ है मुझे जो है लहसुन यानी कि गार्लिक। ये गार्लिक थोड़े से पेस्ट है और थोड़े से मैंने इनके छोटे छोटे ग्रेटेड कर लिए हैं फ्लेवर के लिए। और बगल में जो आप देख रहे हो ना यहाँ पे प्याज फ्राई हो रहा है, अनियन को फ्राई करा जा रहा है ताकि थोड़ा ऊपर जब गार्निशिंग होगा उसके लिए। अब इसमें हम डालने वाले हैं अनियन पेस्ट। डालने वाली हूँ मैं ये अदरक का पेस्ट। उसके बाद धीरे धीरे हमें डालना है टमाटर और ये ग्रीन चिली। इसमें पड़ने वाला है एक्सपर्ट के हाथों से नमक, जो पहले भी आप लोग मिल चुके हो काकी माँ के हाथों से पड़ेगा, क्योंकि काकी माँ नमक का जो क्वांटिटी है उनको अच्छे से पता होता है। मेरे हाथ में हर बार थोड़ा कम पड़ता है या फिर थोड़ा ज़्यादा पड़ जाता है। और आपको पता ही है कि खाने में अगर नमक सही से ना पड़े तो खाने का क्या हाल होता है, पूरा बेजान हो जाता है खाना। तो नमक एकदम सही से पड़ना चाहिए। और मैं आपको एक बात बता दूँ, मैं चीनी बिल्कुल यूज़ नहीं करती हूँ,
क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि चीनी खाने को बर्बाद कर देती है, स्पेशली ऐसे खानों को, इसलिए मैं चीनी बिल्कुल यूज़ नहीं करती हूँ। तो मेरे खाने में आपको चीनी कम दिखाई देगी, सिवाय मीठी चीज़ों के। मीठी चीज़ों में तो डेफिनेटली चीनी यूज़ करना ही पड़ता है। और अभी मैं जैसे काफ़ी हद तक मसाले जो है पक गए हैं, तो मैं इसमें डालने वाली हूँ हल्दी। ये देखिए, एक चम्मच से नहीं काम चलेगा, थोड़ा और डाल देते हैं, इतना इनफ है। और जैसे कि आप देखे हो इसमें ग्रीन चिलीज है, तो अब थोड़ा सा रेड चिली पाउडर का भी ज़रूरत है, तो थोड़ा रेड चिली पाउडर भी डाल देते हैं इसमें। अब जैसे आप देख सकते हो 70% मसाले एकदम पक गए हैं, तो अभी आने वाली है टाइम बिरयानी मसाले की एंट्री, यानी कि बिरयानी मसाला, जो कि अलग एक फ्लेवर लेके आएगा। हम लोग काफ़ी वक्त चिकन मसाला या गरम मसाला यूज़ करते हैं ना, तो उसे हमें इसकी जगह यूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि इसमें पड़ता है सिर्फ बिरयानी मसाला। तो ये देख लीजिए, सनराइज़ का प्योर बिरयानी मसाला है, जो कि टेस्ट और स्मेल एकदम ले आएगा। जैसे कि आप देख रहे हो मसाले एकदम अच्छे से कस गए हैं, तो अब बारी आई है इन चिकन को डालने की। देखिए, सबसे पहले लेग पीस निकला है, क्योंकि ये एक सबसे ब्यूटीफुल पीस है, और इन सारे चिकन को आपको जो मैंने मैरिनेट करके रखा है इसके अंदर डालना पड़ेगा। तो चलिए इन सबको डाल देती हूँ मैं। और अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हम लोग पानी गर्म कर रहे हैं राइस को उबालने के लिए। तो राइस जो बॉयल होता है ना, उससे पहले हम क्या करते हैं, पानी को गर्म कर लेते हैं। इससे क्या होता है, आपका काफ़ी काम कम हो जाता है। उससे पहले आप जैसे देख सकते हो, इसमें नमक मिला दिया है हम लोगों ने, और काफ़ी कुछ मसाले भी है, जैसे दिखा देती हूँ। इसमें है दार चीनी, हरी इलायची, देन लौंग और काली मिर्च, गोल काली मिर्च, ये सारे मैं डालने वाली हूँ इस पानी में। पहले आप क्या करोगे, पानी में मैं पानी को उखेल बॉईल कर लेती हूँ अच्छे से। इससे क्या होता है, जो काम है ना, काफ़ी कम हो जाता है। अदरवाइज़ पानी और चावल अगर आप अच्छे से बॉईल करने जाओगे, उनको पकाने जाओगे एक साथ, तो काफ़ी ज़्यादा वक्त लग जाता है। इसलिए आपको क्या करना है, पानी को पहले थोड़ा सा गर्म कर लीजिए, ताकि आपका काम थोड़ा कम हो जाए। और हमेशा ध्यान रखिएगा कि बिरयानी बनाने के लिए 70% आपको राइस को बॉईल करना है, वो चाहे बासमती हो या देहरादून हो या जो भी राइस हो, लेकिन आपको 70% उसको बॉईल करना है। यूजुअली बिरयानी बनाने के लिए थोड़ी बासमती या पतली चावल जो होते हैं देहरादून, इस तरह की राइसेस ही यूज़ की जाती है, इसी से एक अच्छा स्पेशल इफ़ेक्ट आता है। तो फिलहाल चलिए इसे डाल देती हूँ, ये सारे मसाले मैं इसमें, ताकि इसमें जो एसेंस आ जाए, राइस में जो एसेंस चाहिए वो सारे एसेंस आ जाएंगे। और भी काफ़ी सारे मसाले होते हैं, फिलहाल वो मुझे नहीं मिले, इसलिए मैं इन्हीं से काम चला रही हूँ। सो फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोग देख सकते हो कि ये पानी अच्छे से गर्म हो गया है, जितना हमें ज़रूरत है। और अभी हम इसमें डाल रहे हैं राइस, और राइस को भी हमें, जैसे मैंने आपको बताया, 70% इसको बॉईल कर लेना है, ताकि जो बाकी का 20% और 30% जो रेशियो है, वो बिरयानी बनाते वक्त वहाँ पे हो जाएगा। और अभी फ़िलहाल मैं इसका जो अत्तर है वो बना रही हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ वो मैं कैसे बनाती हूँ। अभी मैंने दूध ले लिया है, और दूध में मैं डालने वाली हूँ ये वाला अत्तर, मीठा अत्तर। इसे मैं थोड़े ड्रॉप्स इसमें मिला लूँगी, और वो जो कलर आता है ना, फूड कलर, वो कलर आ जाएगा बिरयानी के। जो कुछ राइस आप देखोगे येलो, कुछ ब्राउन, कुछ वाइट, वो इसी के वजह से आता है। तो इसे मैं थोड़ा मिला लूँगी इसमें, तो देखते हैं फ्रेंड्स इसका कलर आता है कि नहीं। आई थिंक 5-6 बूंद गिर गए हैं इसमें। फाइनली देखिए, घुलाते घुलाते मिलाते मिलाते इसका कलर आ गया है, और जो कि बहुत ही प्यारा कलर आया है, एकदम येलोइश है, जैसे लग रहा है केसर डाला हुआ है। तो इसी को जब मैं यूज़ करूँगी, तब मैं आपको बताऊँगी इसे कब और कैसे यूज़ करना है। आप लोग देख सकते हो, जैसे मैंने राइस यहाँ पे हो गया है, अब इसको हल्का सा सूखने रखा है, ताकि इस तरीके से अगर आप रखो ना थोड़ा सा हवा में, तो ये जो है ना, इसमें जो काफ़ी वक्त क्या होता है, गल जाते हैं, वो नहीं होता है। 70% अच्छे से बॉयल हो गया है, और अब वक्त आता है हमको बिरयानी बनाने का। तो इसमें मैं गार्निशिंग नहीं, एक्चुअली घी लगाना है मुझको, ताकि नीचे जो परत होती है वो जले ना। तो चलिए इसमें थोड़ा घी लगा देती हूँ, उसके ऊपर लगाऊंगी बे लीव्स यानी कि तेज पत्ता। तो जैसे आप देख सकते हो, मैंने इसमें बे लीव्स यानी तेजपत्ता बिछा दिया है, ताकि नीचे की जो चावल है वो उसमें वो बर्न ना हो जाए। और अभी देख सकते हो आप, इसमें मैं लगाने वाली हूँ थोड़ा घी, ताकि नीचे से जो स्मेल आए घी की अच्छी तरीके से आ जाए। तो हम इसके ऊपर थोड़ा सा घी स्प्रेड कर देंगे। अब बारी है बिरयानी की, तो चलिए बिरयानी में सबसे पहले हम डालने वाले हैं राइस। पहला सेक्शन है राइस का, तो
राइस से हम इसे गार्निश करेंगे। जैसा आप देख रहे हो अभी गार्निश कर रहे हैं, इसके ऊपर हम डालेंगे चिकन। तो अब हम इसमें डालने वाले हैं चिकन, एक एक करके चिकन यहाँ पे हम बिठा देंगे। तो जैसे आप देख सकते हैं चिकन मैंने डाल दिया है, अभी हम इसमें फिर से डालेंगे राइस इसके ऊपर। तो जैसे आप देख सकते हो मैंने इसमें डाल दिया है राइस, और अभी हमको फिर से ज़रूरत है थोड़ा सा घी डालने की, क्योंकि एकदम आपने जैसे देखा बीच में था घी, तो थोड़ा सा हम यहाँ पर घी डाल देंगे। और अभी इसमें फिर से डालूंगी मैं चिकन। जैसे कि आप देख सकते हो मैंने इसे जो फाइनल जो चिकन बचे थे, जितने भी चिकन बचे थे मैंने सारे के सारे डाल दिए। अब मैं इसमें फिर से धीरे धीरे करके चावल की गार्निशिंग करूंगी, चावल को अच्छे से सजा दूंगी, चारों तरफ बिखेर दूंगी, और ताकि ये जो चिकन के जो फ्लेवर है वो सब इसमें आ जाए। अगेन हम इसमें डालने वाले हैं घी। अब जैसे कि आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे थोड़े से अनियन फ्राई करके रखे है, तो ये अनियन भी मैं यहाँ पे इस तरीके से स्प्रिंकल कर लूँगी। ये जो काम है ये गार्निशिंग का है, और आप लोग सब जानते हैं मुझे गार्निशिंग का काम बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि खाना जितना अच्छा दिखेगा उतना ज़्यादा ही आपको दिल करेगा, उतना ज़्यादा ही आपको भूख लगेगी, और उतना ही ज़्यादा आई थिंक स्वादिष्ट भी होता है। गार्निशिंग का काम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और इसके साथ साथ ही मैं ये सारे आलू भी इनके साथ यहीं पे रख दूँगी, और कुछ आलू मैंने चिकन के साथ भी मिलाए हैं। इससे क्या होता है उसमें जो फ्लेवर आता है चिकन का, जो चिकन की जो करी की फ्लेवर है वो उसमें आ जाती है, और ज़्यादा टेस्टी बन जाता है। तो चलिए उन आलू को भी मैं यहाँ पर ट्रांसफ़र कर लेती हूँ। तो अब जैसे आप देख सकते हो पूरा चिकन आलू वगैरह पूरा, आलू हमेशा कोशिश कीजिए तो टॉप फ्लोर है ना उसी पे रखने के लिए। इससे क्या होता है आलू जो है ना कटते नहीं है, तो क्या है फर्स्ट में ही आलू जब बन जाता है ना बिरयानी, तो आलू को आप अलग से निकाल के रख दे सकते हो, और आलू का जो शेप है वो बिल्कुल नहीं बिगड़ेगा, और आपका खाना देखने में बहुत अच्छा लगेगा, जो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आई थिंक ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए ये जो सारी बाकी राइस है इनको मैं यहाँ पे बिछा लेती हूँ, और उसके ऊपर मैं डालने वाली हूँ थोड़ा सा फिर घी गार्निशिंग के लिए और स्वाद के लिए भी। तो ये देखिए फाइनल घी मैंने डाल दी है, ताकि इसमें थोड़ा ऑयली ऑयली टेक्सचर तो आए, साथ ही साथ वो स्मेल जो हम दुकान में खाते हैं ना वैसी वाली स्मेल भी आए। और अब इसके ऊपर डालने वाला है रोज़ वाटर और मीठा अदरक का पानी, जो मैंने अलग से बना के रखा है, तो वो डालते हूँ मैं इसमें। तो फ्रेंड्स सबसे पहले मैं डालने वाली हूँ रोज़ वाटर, ये एक ढक्कन आई थिंक इनफ है। और उसके बाद मैं डालूँगी यहाँ पे है केवड़ा जल, ये भी तकरीबन इसका भी स्मेल जो है ना काफ़ी अच्छा, एक्चुअली न्यू है ना तो ढक्कन खुले नहीं है, तो मैं इसे भी एक ढक्कन डाल दूँगी। और अभी जैसे मैंने आपको दिखाया था जो मीठा अत्थर, ये अब मैं इसको मिलाऊँगी इसमें, इसे अभी हम इस तरीके से स्प्रिंकल करेंगे, इससे जो वो येल्लोइश कलर होता है बिरयानी का वो कलर आपको दिखने को मिलेगा। तो अब ये पूरा तैयार हो गया है, अब इसे हमने बंद किया है। आप चाहे तो यहाँ पे आटा मैदा कुछ भी लगा सकते हैं आपकी सुविधा जिसमें हो, लेकिन मैं आपको बेस्ट बोलूँगी कोई कपड़ा हो कॉटन का या मलमल का तो बहुत अच्छा है, उसे आप साइड से इस तरीके से बांध के लगा लीजिए, बिल्कुल भी वेपर नहीं निकलेगा ये गारंटी मेरी है, लेकिन अच्छे से आपको बांधना है, ये बात आपको इंश्योर करना है। तो चलिए इसे मैं ओवन में बिठा देती हूँ एकदम धीमी आँच में, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा कितना वक्त लगेगा, ये जो है 20 से 25 मिनट लगेगा, उसके बाद हमको धीरे धीरे जो स्मेल आएगी उससे पता चलेगा बिरयानी हो गई है। तो चलिए मैं इसे ओवन में ट्रांसफ़र करती हूँ, और उसके बाद अब बिरयानी तो रेडी हो गई है। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ बिरयानी बनी कैसी है। तो मैं अभी नीचे के फ्लोर में हूँ, यहीं पे हम लोग लंच डिनर ब्रेकफास्ट सब कुछ करते हैं, आप लोगों को पता है। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि बनी कैसी है। डिनर में
स्वीट डिश ना हो ऐसा होता है क्या? ये देखिए, ये है केसर रसमलाई। तो मैं इसको आपको बहुत ही करीब से दिखाती हूँ। स्मेल तो काफ़ी बढ़िया आ रही है और रेसिपी जानूंगी तो घर में भी बना पाऊँगी। पहले जान लेती हूँ उसकी रेसिपी, फिर मैं आप लोगों के लिए ये भी बनाऊँगी। ये देखिए, मतलब ये स्विगी से मंगवाया है हमने केसर रसमलाई। ये होममेड नहीं है, स्विगी का स्विगी मेड है। तो फ्रेंड्स, डिनर वगैरह सब हो गया है काफ़ी अच्छी तरीके से। मैंने फटाफट मैंने सब कुछ मैनेज कर लिया था। इस बीच में माही का डिनर टाइम भी हो गया था, तो मैं 9:30 बज गए, तो फटाफट मैंने माही को डिनर भी करा दिया। नीचे में थोड़ा भाई ने मेरे को हेल्प किया। ऐसा हो सकता है बिरयानी बन रही है और भाई का हाथ ना लगे, ऐसा हो सकता है अभिषेक? नहीं हो सकता, वो वहाँ पर खड़ा बोल रहा नहीं नहीं। तो मैंने एक्चुअली चढ़ा के बस थोड़ा सा ध्यान भी तो रखना पड़ता है ना, तो भाई को बोला कि थोड़ा सा देख ले भाई प्लीज़, हाँ नहीं तो इधर भी नहीं कर पाऊँगी, नहीं तो उधर भी नहीं कर पाऊँगी। सब मैंने कर दिया था, बस उसको जस्ट चढ़ा के वो जो थोड़ा टाइम होता है ना मेन जो पकने वाला, वो वाला थोड़ा भाई के लिए छोड़ दिया था कि थोड़ा सा देख ले भाई, अदरवाइज़ बेटी को खाना खिलाना। ये सो गई है हाफ, ऐसा हाल होता है, पता है ऊपर नीचे का चक्कर रहता है ना। तो ये तो चलिए इसे छोड़ते हैं, और बिरयानी तो काफ़ी अच्छी बनी है नहीं? हाँ, तो आप लोगों को भी अगर रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ देखिएगा ज़रूर और लाइक भी कीजिएगा। बाय द वे, पता है आपको मेरे ब्लॉग पाकिस्तान में भी देखे जा रहे हैं क्या? कॉन्फिडेंस है, मतलब जहाँ जहाँ का रेसिपी है पाकिस्तान का? नहीं नहीं, ये वाले ब्लॉग नहीं, पिछले वाला जो ब्लॉग दिया था वो देखा। मैं बोल रहा हूँ मतलब जो सपोर्ट किया है, मतलब बिरयानी ओरिजिनल फ्रॉम पाकिस्तान, ठीक है ना? ये बात सही है, वहाँ आपका फैन मिल गया, और क्या चाहिए। अरे वाह, ये वाला बात सही है, लेकिन लेकिन सीरियसली बहुत अच्छा लगा। अप्रिसिएशन सबको ज़रूरत होता है। आप कोई भी काम करो, छोटा काम करो, बड़ा काम करो, या मीडियम काम करो, जैसा भी काम करो, अगर आपको अप्रिसिएशन मिलता है ना तो दिल बहुत खुश हो जाता है, आप में एक एनर्जी फ्लो है ना और ज़्यादा हो जाती है। तो डेफिनेटली बहुत अच्छा लगा कि पाकिस्तान के लोग भी मेरे ब्लॉग्स देख रहे हैं। आपने कमेंट किया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, तहे दिल से हमारी तरफ से शुक्रिया। हमारे इस चैनल को बरकरार रखिए, और मैं हर आपसे तो बोलूँगी कि आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लेकिन आप अपने दोस्तों से भी बोलिए कि आप उनके दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो इससे क्या होगा, हमारा चैनल और भी लोगों तक पहुँचेगा और ये जो ब्लॉग्स है वो सब हर कोई देख पाएंगे। और इसी तरीके से मैं आप लोगों से, मैं यानी कि हम, क्योंकि अब ये चैनल हमारा हो गया, क्योंकि देवराज जो है ट्रैवल ब्लॉग चलाते हैं और मैं चलाती हूँ बाकी सारे ब्लॉग्स, आपको पता ही है। कभी मुझे मौका मिलता है ट्रैवल ब्लॉग तो ज़रूर मैं आपको दिखाऊंगी मेरे कैमरा की दृष्टि से, और वेट ज़रूर कीजिएगा। मैं हर बार कोशिश करती हूँ कुछ ना कुछ नया कंटेंट आप लोगों के लिए लेके आने का, लेकिन जैसा हमारी लाइफ चलती है ना, मैं आपको वैसा ही दिखाती हूँ, पूरा रूबरू वैसे ही चलता है जैसा चलता है, क्योंकि बिल्कुल भी कुछ भी इमिटेशन करने का टाइम नहीं है हमारे पास। एक छोटा बच्चा है आप जानते हो, तो जैसे जैसे लाइफ चलती है वैसे वैसे आपको दिखाती रहती हूँ। तो अगर आपको अच्छा लगा हो, थोड़ा सा भी अच्छा लगे ना ब्लॉग, तो प्लीज़ एक बार लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और बेल बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक क्या बोलना है? गुड नाइट, गुड नाइट एंड टेक केयर।